सुख ऐश्वर्य ज्ञान शालीनता पौरुष वाहन सुंदरता। कभी सोचा है आपने किसी के पास इन चीजों की अधिकता होती है और किसी के पास नितांत कमी, क्यों? आप सभी को मेरा प्रणाम। बताइए ऐसा क्यों होता है जब आपके पास बहुत सारा कुछ होता है, धन दौलत सुख आदि आदि आदि, तो हम ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं, और जब नहीं होता है तो कहते हैं भगवान ने मेरी किस्मत ही खराब लिखी। लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपके हिस्से में ये सुख क्यों नहीं आता। आप मेहनत भी खूब करते हैं फिर भी सुख शांति धन ऐश्वर्य वाहन सुंदरता इत्यादि आपसे दूर भागते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर क्या है ये मैं जानना चाहता हूं। उन सारे लोगों से मैं ये बात पूछता हूं जो कहते हैं सिर्फ काम करो, जितना काम करोगे जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं यह क्यों? क्या भाग्य कुछ नहीं है? अब पिछले कई दिनों से ग्रहों और उनके प्रभाव की बात तो हो रही और लगातार हम इन चीजों के उत्तर ढूंढते जा रहे हैं और पाते भी जा रहे हैं। सोचा आज आपसे ये बातें भी करते हैं। मैं आपको शुक्र के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। ये जो हथेली का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये शुक्र है। ये वही शुक्र है जो आकाश में वीनस यानी शुक्र ग्रह नाम से जाना जाता है। यह ग्रह संजीवनी, यानी यदि इस ग्रह का साथ आपको मिलता रहे तो आपका जीवन बड़े ही वैभव से कट जाएगा, अन्यथा संघर्ष होगा, और होगा ही होगा, मतलब होगा ही होगा। आप बहुत आसानी से दो तीन चीजें देखकर बता सकते हैं। मैं आपको हाथ के हाथ सिखाता जाऊंगा। बड़ी सीधी सी बात है, अगर शुक्र अच्छा है यानी ये वाली जो रेखा जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं ये खूब घूम के आ रही है, यदि ये शुक्र अच्छा है इस तरीके से ये रेखा घूम के है, मोटी है, उठी है, और ये वाला हिस्सा जो अंगूठे का ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये यदि मोटा है तो इसे हम कहते हैं शुक्र अच्छा है। यदि यहाँ पर दाग धब्बे नहीं है, इस तरीके से बहुत सारे जाल नहीं है, ये हिस्सा उठा हुआ भी है और ये गोल ऐसी रेखा है, तो हम कहते हैं शुक्र अच्छा है। ऐसे व्यक्ति के पास सुंदरता होगी। और देखें, सुंदरता का अर्थ आकर्षण से है, रंग से नहीं है, सुंदरता होगी। ऐसे व्यक्ति के पास वैभव आएगा। आज नहीं है ना, आज गरीब है, फिर भी ये आप देखिएगा जीवन में एक वक्त ऐसा आएगा जब ये व्यक्ति धन संपत्ति से भरा हुआ होगा। अब ऐसे तो कितना भी धन आ जाए कम लगता है, वह तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप अपना बहुत ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं तो ये समझ सकते हैं कि यदि ये स्थिति अच्छी है तो 20वें 22वें वर्ष में परिवर्तन होगा ही होगा, होगा ही होगा। 27वें परिवर्तन होगा, 34वें में परिवर्तन होगा, 42वें परिवर्तन होगा, और ये सब सकारात्मक होंगे धन और वैभव के मामले में। रेखा जो आप देख रहे हैं ये सीधी सी ऐसी है ये, और यहाँ पर खूब सारे जाली हैं इस तरीके से, तो कफ दर्द शुगर जैसे रोग आएंगे, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के पास दरिद्रता आएगी और जीवन साथी का सुख बहुत संभव नहीं मिल जाए, खासतौर से अगर ये पुरुष है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति का जीवन साथी उससे नाराज रहता है। ऐसे व्यक्ति की स्त्री उससे बहुत ज्यादा स्नेह नहीं करती, इज्जत भले ही करे स्नेह नहीं कर पाती। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। और ऐसे में यदि ये वाली उंगली इस उंगली के मुकाबले छोटी है, ये वाली उंगली इस उंगली के मुकाबले यदि छोटी है, यानी आपकी जो रिंग फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर के मुकाबले छोटी है, ये तो ये बात तय मानिए कि ऐसे व्यक्ति के अंदर संतान उत्पत्ति की क्षमता कम होगी। कम होगी मतलब कम होगी। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, अगर ये वाली रेखा नीचे है
गोल नहीं है, इस तरीके से सीधी सीधी आ रही है। यहाँ पर कटे फटे निशान है, ये वाली उंगली छोटी है, ये वाली उंगली लंबी है, या फिर इस तरीके के निशान है यहाँ पर, स्टार बोलते हैं इसको, या लाल रंग का तिल है यहाँ पर। तो ऐसे व्यक्ति में संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम होगी। कितनी आसानी से आप चीजों को देख सकते हैं, और ये चीजें देखकर एक ज्योतिषी जो है वो किसी व्यक्ति को बता देते हैं, आयुर्वेद का और योग का सहारा लेकर मूलाधार चक्र की क्रिया उसको बताने पर वह व्यक्ति के अंदर पुरुषत्व बढ़ जाता है। जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसी शुक्र की वजह से हमारे यहाँ संतान होती है लेकिन अच्छी नहीं होती। यही अगर मजबूत कर लिया जाए तो आने वाली संतान मजबूत होगी। यदि आप आज की बात समझ गए तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, जीना समझ में आ जाएगा। ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, विवाह, विलासिता, समृद्धि, सुख, सभी वाहनों, कला, नृत्य, संगीत, अभिनय, जुनून और काम का प्रतीक माना गया है। शुक्र के संयोग से ही लोगों को इंद्रियों पर संयम मिलता है और नाम और ख्याति पाने के योग्य बनते हैं। शुक्र के दुष्प्रभाव से त्वचा पर नेत्र रोगों, यौन समस्याएं, अपच, कील मुहासे, नपुंसकता, क्षुधा की हानि और त्वचा पर चकत्ते होना बताया गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गृहीय स्थिति दशा होती है, जिसे शुक्र दशा कहा जाता है। ये व्यक्ति पर 20 वर्षों के लिए सक्रिय होती है। ये किसी अन्य ग्रह की दशा से लंबी होती है। इस दशा में जातक की जन्म कुंडली में शुक्र सही स्थान पर होने से उसे कहीं अधिक धन, सौभाग्य और विलासिता सुलभ हो जाती है। सौर मंडल के 9 ग्रहों में शुक्र एक ग्रह है। आकाश में शुक्र ग्रह को आसानी से देखा भी जा सकता है, शाम के समय भी और सुबह के समय भी। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि इस ग्रह का उदय आकाश में या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद होता है। आकाश में सबसे तेज चमकदार तारा शुक्र ही है। ज्योतिष और वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र की किरणों का हमारे शरीर और जीवन पर अकाट्य प्रभाव पड़ता है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ज्योतिषी कैसे ये बताते हैं, या ज्योतिष वैज्ञानिक कैसे ये बताते हैं कि आपका शुक्र अच्छा है या आपका शुक्र बुरा है। ये आपकी हथेली, दाहिनी हथेली समझ लीजिए इसे फिलहाल, और दाहिनी हथेली को देखिए। आपका ये अंगूठा है, ये वाला हिस्सा, ये तो अंगूठा है, सब जान रहे हैं। इस अंगूठे के निचले वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये शुक्र होता है। यानी इस तरीके से ये जो हिस्सा आता है ये पूरा शुक्र का हिस्सा कहलाता है। अब देखिए, ये जीवन रेखा इस अंगूठे को जितना दूर तक लेके आएगी, जितना दूर तक उतना ये अच्छा है, और ये जितनी पास होती जाएगी उतना ये बुरा है। बहुत सारे लोगों की जीवन रेखा बहुत छोटा सा हिस्सा घेरती है अंगूठे का, ये अच्छा नहीं है, यानी कमजोर हो गया। कमजोर हो गया इसका मतलब ये नहीं कि अब सब बेकार हो गया, सब अच्छा हो गया, ये सब बेकार हो गया, ये कभी नहीं होता है। बहुत सारे लोग भावातिरेक में बोलते हैं, जिससे वह इस विज्ञान का या किसी भी विज्ञान का अनादर कर देते हैं। विज्ञान लॉजिक के साथ चलता है, तर्क के साथ चलता है, भावातिरेक में नहीं चलता है। जैसे बहुत सारे लोग भावुकता में आके बोलते हैं, अच्छा ये इतना अरे बहुत बढ़िया होगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा, अब तो तुम्हारी जिंदगी में जो चाहोगे करोगे, राजा बनोगे। यही चीज हमें मार जाती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स देखने के बाद एक बात कही जाती है, हो सकता है 4 चीजें राजा बना रही हो लेकिन 5 चीजें राजा ना बना रही हो। लिहाजा बहुत सोच समझकर समभाव के साथ, यानी इक्विलिब्रियम इन इमोशंस, ये रखकर ही किसी को बात करनी चाहिए। भारत में चूंकि साहित्य और भावना का देश है ये, इसलिए इमोशंस में आकर बड़ी बड़ी बातें एकदम बोलने की आदत है। ये हमारी जेनेटिक एक ये गुण भी है, जेनेटिक वर्चू, लेकिन फिर भी इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तर्क के परे जाकर बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ग्रहों का सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है,
हमारी सोच पर पड़ता है। अब शुक्र ग्रह का असर हमारे मस्तिष्क के जिस भाग पर पड़ता है वही हमारे जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य सफलता आदि का कारक होता है, यह विज्ञान कह रहा है। मैंने जब शुक्र का प्रभाव प्रतिकूल होता है तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, और यदि ऐसा हो रहा हो तो चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लीजिएगा। लेकिन शुक्र ग्रह की शांति भी करें, असर ना हो तो कहिएगा। अब शांति का मतलब क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानना। शुक्र ग्रह का प्रभाव मस्तिष्क के जिस हिस्से पर पड़ता है उसे सबस्टेंशिया निग्रा कहते हैं। यह मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है तथा यह मनुष्य में किसी भी वस्तु का नाश, शरीर के मूवमेंट, रिवार्ड मतलब जीवन में सफलता हासिल करने के मनोबल का कारक होता है। अगर कोई व्यक्ति को सफलता की लत है या वो सफलता हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है तो यह सबस्टेंशिया निग्रा की वजह से होता है। अगर किसी व्यक्ति को गाड़ियों का शौक है तो भी सबस्टेंशिया निग्रा के कारण होता है। इसके अलावा यह याददाश्त का भी कारक होता है। सबस्टेंशिया निग्रा लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है काली वस्तु। सबस्टेंशिया निग्रा मस्तिष्क में काले रंग का होता है जबकि मस्तिष्क में इसके आसपास हिस्से सफेद होते हैं। इसका कारण होता है कि इसमें न्यूरोमेलानिन नामक द्रव्य पाया जाता है। सबस्टेंशिया निग्रा को मानव मस्तिष्क का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। इसके निष्क्रिय होने पर व्यक्ति में पार्किंसन जैसा भयानक रोग होता है। इससे सिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी आ जाती है जो व्यक्ति को चलने फिरने याददाश्त से वंचित कर देती है। सबस्टेंशिया निग्रा कमजोर हो तो व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है। जी हाँ, यह है शुक्र का हम पर पड़ने वाला वैज्ञानिक असर। शुक्र का स्वास्थ्य पर भी बड़ा असर माना गया है, ज्योतिष में भी और मेडिकल साइंस में भी। ज्योतिष में शुक्र के दोषों से निवारण के लिए मंत्र बताए गए। इन मंत्रों का असर होता है, मैंने इन मंत्रों का असर होते हुए देखा है। लेकिन इस असर का एक बड़ा कारण ध्वनि है। जब हम शुक्र के मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि का असर उन अंगों पर पड़ता है जिन जिन अंगों को शुक्र प्रभावित करता है। माना जाता है कि शुक्र का असर जांग, मांस, चर्बी, किडनी, लीवर और रक्त धमनियों पर पड़ता है जिससे गठिया, डायबिटीज, पाइल्स, ट्यूमर, ब्लड कैंसर और लीवर की गंभीर बीमारियां होती हैं। चिकित्सा के अलावा शुक्र मंत्र का जाप भी इन बीमारियों से लाभ पहुंचा सकता है। शुक्र का मंत्र ओम द्राम त्रीम द्रौं स शुक्राय नमः है। इसके अलावा स शुक्राय नमः भी शुक्र का मंत्र है। इस मंत्र के जप से शरीर में जांग, किडनी, लीवर और रक्त धमनियों में स्पंदन होता है जिससे बीमारियों के ठीक होने में मदद मिलती है। देखा आपने, शुक्र नाराज हो जाए तो बड़े बड़े भयंकर रोग भी हो जाते हैं। ज्योतिष में भी शुक्र का बड़ा महत्व है। आपकी कुंडली में शुक्र जिस भाव में होता है उससे यह तय होता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। 12 राशियां होती है, इन 12 राशियों के 12 भाव होते हैं। हर भाव में शुक्र अलग अलग फल देता है। पहले भाव में शुक्र हो तो जातक सृजन क्षमता से परिपूर्ण होता है, खूबसूरत होता है, ऐश्वर्यवान, मधुर भाषी, घूमने का शौकीन और विद्वान होता है। यदि पुरुष है तो स्त्री और यदि स्त्री है तो पुरुष की ओर हमेशा यानी परस्पर आकर्षण रहता है। मैं गलत सेंस में नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये अच्छे सेंस में मैं इसको कह रहा हूँ। ऐसे में शुक्र बृहस्पति या केतु से प्रभावित होगा तो इनके गुणों के कारण लोग इनसे रिझते हैं। जी हाँ, लोग बहुत सारे ये समझते हैं कि शुक्र केवल रोमांस का ग्रह है, बिल्कुल भी नहीं। शुक्र ज्ञान का भी ग्रह, संजीवनी क्रिया जानने का ग्रह है। और यदि ये बृहस्पति अथवा केतु के साथ है तो ऐसा व्यक्ति इतना विद्वान होगा या गुणी होगा, इतना सौम्य व्यवहार करने वाला होगा कि लोग इनकी तरफ आकर्षित होंगे। यदि शुक्र बुरे प्रभाव में है तो व्यक्ति लालची होता चला जाता है और बुरी प्रवृत्ति के कारण बुरी प्रवृत्ति वाले लोग इन पर रिझते हैं। ऐसी महिलाओं को जीवन भर, यदि किसी महिला का शुक्र खराब है तो जीवन भर अपनी अस्मिता और प्रतिष्ठा के लिए सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यदि किसी का शुक्र खराब है तो उस पर लांछन बहुत आती है। और ऐसे व्यक्ति को व्यवहार बहुत संतुलित रखना चाहिए,
ऐसे पुरुषों को भी बहुत संभल कर रहना चाहिए, नहीं तो या तो उनको यौन रोग हो सकते हैं, अन्यथा उनके ऊपर कोई ना कोई गंभीर लांछन जीवन पर्यंत लगती रहेगी स्त्री के कारण। जरूरी नहीं कि आप सही हैं तो लांछन नहीं लगेगी। हजारों लोग इस दुनिया में हुए हैं जिन पर लांछने लगी हैं, लेकिन गलती नहीं थी। तभी तो मैं कहता हूं कहीं ना कहीं किस्मत है।